हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट की, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। जैसे कि हमने बहुत सारी इक्वेशन देखी थी जो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो के फॉर्मेट में थी, है ना। तो इसके अंदर इनके कुछ ना कुछ रूट आते थे, तो रूट दो तरह के, तीन तरह के होते थे। मैं तीनों तरह के यहाँ पे रूट लिख देता हूँ किस तरह के हमें फाइंड हुए थे। तो पहली चीज ये कि हमें रियल रूट मिले थे, टू डिस्टिंक्ट रूट मिले थे। कैसे? वो भी कैसे थे? रियल थे, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे हमें जैसे कि एक रूट होगा वन अपॉन टू, एक रूट होगा थ्री अपॉन टू, तो ये दो अलग अलग रूट हैं। एक्स की वैल्यू जो आई है वो कैसी है? दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब एक जो है वो कैसा है? टू रियल रूट। कैसा? टू इक्वल रियल रूट। जैसे एक आंसर वन अपॉन टू है, दूसरा भी क्या होगा? वन अपॉन टू होगा। दोनों एक्स की वैल्यू दो आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमेशा हमारी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? दो होगी। दोनों ही कैसी होगी? सेम होगी। अब हम बात कर रहे हैं टू रियल रूट है, फिर देखें तो थर्ड जो है वो है नो रियल रूट। नो रियल रूट मतलब इसके अंदर क्या होगा? आंसर जो है वो रूट में तो आएगा पर अंडर रूट में माइनस हो जाए, माइनस थर्टी वन अपॉन फोर, और शायद दूसरा भी था माइनस अंडर रूट में माइनस थर्टी वन अपॉन फोर। रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो उसे हम डायरेक्ट कह सकते हैं नो रियल रूट, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो क्या हम इसे किसी भी इक्वेशन को देखकर, इस फॉर्मेट की जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को डायरेक्ट देखकर हम बता सकते हैं कि इसके जो रूट हैं वो रियल डिस्टिंक्ट होंगे, रियल होंगे, इक्वल रियल होंगे या नो रियल होंगे, है ना। तो इस तरीके के लिए उन्होंने एक फॉर्मेट दिया, एक फार्मूला दिया, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। इस फार्मूले के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट हम ये बता सकते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा। जैसे कि यहां पे हम देखें जो d की वैल्यू, जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ी होती है, जीरो से बड़ी मतलब पॉजिटिव आ जाएगी तो हम क्या बोलेंगे? उसे रियल रूट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल आ गया तो हम क्या बोलेंगे? इक्वल रूट है। और डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो जीरो से छोटी है मतलब कि नेगेटिव में है तो हम उसे क्या कहेंगे कि हमारे जो डिस्क्रिमिनेंट है, हमारे जो रूट है वो कैसे होंगे? नो रियल होंगे मतलब अंडर रूट में माइनस आएगा। तो इसी को देखने के लिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड की अब हम बात कर रहे हैं, है ना। तो आप देखेंगे, ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फोर रूट थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल जीरो। हमें ये चेक करना है कि इसका नेचर कैसा है रूट का। रूट का नेचर मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट हमें फाइंड करना है। तो हम पहले से क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो के साथ कंपेयर करते हैं। तो ए इक्वल क्या हो जाएगा? थ्री, और बी इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस फोर रूट थ्री, और सी की वैल्यू कितना हो जाएगा? फोर हो जाएगा। तो यहां से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखें तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल बी की वैल्यू कितना है हमारा? माइनस फोर रूट थ्री का स्क्वेयर माइनस फोर इंटू थ्री इंटू सी की वैल्यू कितना है? फोर है। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल कितना हो जाएगा? माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है। सिक्सटीन का स्क्वेयर कितना हो गया? सिक्सटीन का स्क्वेयर हमारा हो जाएगा, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और थ्री रूट थ्री का स्क्वेयर थ्री हो गया है, ठीक है। माइनस फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट, ठीक है। तो यहां पे भी फोर्टी एट माइनस फोर्टी एट इक्वल जीरो। डी की वैल्यू कितना आ गया? जीरो। अभी अभी हमने देखा कि जब डी की वैल्यू कैसी होती है? जीरो होती है। तो उसने क्या कहा? इक्वल रियल रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वल रियल रूट। तो यहां पे भी जो नेचर जो है वो कैसा है? इक्वल है रियल रूट है। अब इसे हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। उसके साथ में उन्होंने कहा है कि यदि रियल रूट होते हैं, ये रियल रूट है
तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट इसे फिर इसे आप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम इसे फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारा, जैसे श्रीधराचार्य का फार्मूला भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, समझ भी लेंगे हम इसको। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये किसका है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारा, है ना। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू क्वाड्रेटिक की में के अंदर जो भी हमारा वेरिएबल है, एक्स है, वाई है, जेड है, जो भी है, पर अभी हम एक्स ही देख रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। तो एक्स इक्वल क्या होगा, माइनस बी, तो बी की वैल्यू देखिए कितना है, माइनस फोर रूट थ्री है ना। अब इक्वल रियल रूट है, अब देखते हैं इक्वल रियल रूट आता है या नहीं आता है। तो प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कितनी कितनी निकाली है अभी हमने, जीरो निकाला है। टू इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारी, थ्री है। तो एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस रूट थ्री अपॉन में क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे जो जीरो को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस जीरो आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू ये हो जाएगा थ्री और ये हो जाएगा टू। तो x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, x इक्वल टू रूट थ्री प्लस माइनस जीरो अपॉन थ्री। अब आप देखेंगे कि यहां पर जीरो जो है वो दो बार है ना, तो यहां पे हम इसे एक बार प्लस लिख के सॉल्व करते हैं, एक बार माइनस में। तो प्लस साइन लेते हैं पहले हम, टेक प्लस साइन, है ना। तो x इक्वल टू रूट थ्री प्लस जीरो अपॉन थ्री ले रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, देखें तो x इक्वल टू रूट थ्री अपॉन थ्री आएगा। फिर माइनस साइन लेंगे तो कितना होगा, x इक्वल टू रूट थ्री माइनस जीरो अपॉन थ्री कर रहे हैं, है ना। अभी हमने प्लस साइन लिया था, अब हम क्या ले रहे हैं, माइनस साइन। तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू रूट थ्री अपॉन थ्री हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू यहां पर आ चुकी है। तो देखें आप दोनों की वैल्यू कैसी आई है, इक्वल रूट आए हैं, तो इसलिए हम यहां से हम क्या कर सकते हैं, बिना सॉल्व करे हम ये बता सकते हैं कि उसके रूट कैसे इक्वल होंगे, रियल होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे। तो यहां पे ये दिया हुआ है, आप इसे समझकर भी दे सकते हैं। यदि रियल रूट है कब होगा, जब डिस्टिंक्ट, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी, पॉजिटिव होगी। और यदि जीरो होती है तो इक्वल रियल रूट होंगे, और यदि डी की वैल्यू जो है वो जीरो से छोटी होती है तो उसे रियल रूट, नो रियल रूट कहा जाता है, यदि नेगेटिव में यदि हमारा आंसर आता है तो, है ना।